हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। जैसे दोस्तों, आप जो कि घर बैठे ही अपने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दोस्तों घर बैठे ही अपना आय प्रमाण पत्र जो कि बनवा सकते हैं। तो किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है और किस तरह से जो कि घर बैठे अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इस वीडियो में कम्प्लीट मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँगा किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है आय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो कि ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से अपना जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड जो कि बनाएंगे। तो दोस्तों, किस तरह से आप जो कि ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर अपना जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड जो कि बनाना है, उसका वीडियो जो कि मैंने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। उस वीडियो का लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में दोस्तों भी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से दोस्तों जाइए, उस वीडियो को आप देख लीजिए किस तरह से जो कि ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर अपना जो कि यूजर आईडी पासवर्ड जो कि बनाते हैं। तो सबसे पहले जो कि यूजर आईडी पासवर्ड आप बना लीजिए, तभी दोस्तों आप जो कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो किस तरह ऑनलाइन आवेदन करना है इस वीडियो में कंप्लीट में दिखाऊंगा। दोस्तों, आपका मात्र 15 रुपया जो है कि चार्ज लेगा और आपका 15 रुपये के चार्ज में ही आपका आय प्रमाण पत्र जो है कि बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट में दिखाऊंगा ऑनलाइन करके आवेदन करके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप से इस तरह से गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पर जो कि टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए जो गूगल सर्च में जो कि टाइप करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद दोस्तों इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं ई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उस पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और चलिए जो इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद दोस्तों सबसे यहाँ पर देखेंगे आप सिटीजन लॉगिन ई साथी, तो सिटीजन लॉगिन ई साथी इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए जो पेज ओपन हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड या नीचे कैप्चा जो कि इंटर करके सबमिट कर लेंगे, यानी कि ई साथी में जो है कि लॉगिन कर लेंगे। तो अगर दोस्तों आपके पास जो है कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो किस तरह से जो है कि आप इसमें जो है कि ई साथी में यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट पे अपना जो है कि यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह से बनाना है, तो उस पर मैंने जो कि वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। उस वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जाइए आप देख लीजिए। उस वीडियो में कंप्लीट में बताया हूँ किस तरह से जो कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है कि बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हैं। 2 मिनट में दोस्तों अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है कि बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं यूजर नेम अपना पासवर्ड जो है कि यहाँ पर इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड जो कि लॉगिन यहाँ पर इंटर करके लॉगिन में कर लिया हूँ ई साथी में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई साथी यानी कि इसमें लोग लॉगिन कर लिया। करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो कि जात प्रमाण पत्र आप दोस्तों बना सकते हैं और नीचे आप देखेंगे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र या हैसियत प्रमाण पत्र संशोधन भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सी सर्विस इसमें जो कि दी गई है, यहाँ से दोस्तों आप जो कि यूज कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करके मैं दिखाऊंगा, तो चलिए दोस्तों आय प्रमाण पत्र पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो कि फॉर्म जो कि ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कि आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो अगर दोस्तों जो कि यहाँ पर देखेंगे दो कॉलम यहाँ से दिए गए हैं, जैसे दोस्तों ग्रामीण और जो नागरी। तो अगर दोस्तों आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पर पहले से क्लिक रहेगा, अगर दोस्तों यहाँ पर जो नागरी यानी शहर से हैं तो इस पर इस तरह से क्लिक कर देंगे। तो जैसे दोस्तों मैं ग्रामीण से हूँ तो चलिए ग्रामीण पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, या दोस्तों पहले से क्लिक रहेगा। और दोस्तों जिनका भी आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो कि प्रार्थी का नाम, तो उनका नाम जो कि इस कॉलम में लिखेंगे और नीचे जो कि उनके पिता या पति या संरक्षक का नाम लिखेंगे। तो जैसे दोस्तों आप पिता का नाम लिख रहे हैं तो पिता का नाम पर पहले से टिक है, और दोस्तों आप पति का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पति के नाम पर जो कि टिक कर लेना है, और दोस्तों आप संरक्षक का नाम लिख रहे हैं तो इस तरह से संरक्षक के नाम पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आप जो टिक कर सकते हैं। और नीचे आएंगे देखिए दोस्तों जो कि यहाँ पर माता का नाम, तो उनके माता का नाम जो कि यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्तमान पता, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मकान नंबर, गली मोहल्ला और जनपद दोस्तों ऑटोमेटिक जो कि सिलेक्ट रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर तहसील जो भी है तहसील इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों जो यहाँ पर देखिए जो कि ग्राम चुने, तो इस तरह से क्लिक करेंगे जो भी ग्राम है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नंबर, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर उनका जो कि यहाँ पर टाइप कर लेना है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो कि अस्थायी पता और उपयुक्त पता, यानी कि अस्थायी पता उपयुक्त पता दोनों सेम है, तो इस वाले जो कि बॉक्स में जो क्लिक करना है, यहाँ पर एड्रेस जो है कि ऑटोमेटिक आ जाएगा।
और देखिए यहाँ पर जो व्यवसाय है, तो दोस्तों यहाँ पर इस कॉलम में जो भी आप व्यवसाय वह करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिए गए हैं, इस तरह से आप जो भी ऐसे टाइप कर सकते हैं, जो भी व्यवसाय है टाइप कर लीजिएगा। और देखिए जो कि यहाँ पर परिवार का विवरण, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं परिवार का विवरण, और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी दोस्तों जिनका आप आवेदन कर रहे हैं आय प्रमाण पत्र, उनको मिलाकर उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका संख्या जो कि यहाँ पर इस वाले कॉलम में जो कि टाइप करना है, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी है आप टाइप कर लीजिएगा। तो इस तरह से टाइप करेंगे, जैसे टाइप कर लेंगे तो इस तरह से कॉलम ओपन हो जाएगा, और उनका नाम लिखेंगे जिनका आवेदन कर रहे हैं, और उनके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ व्यवसाय लिखेंगे। व्यवसाय लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए वार्षिक आय यहाँ पर लिखेंगे हैं, तो इस तरह से जो कि व्यवसाय से वार्षिक आय यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों अगर जो आप जिनका आवेदन कर रहे हैं उनका करना चाहते हैं तो इस तरह से चलिए 1 नंबर यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद दोस्तों इस तरह से क्लिक कर देंगे, देखिए इस तरह से कॉलम आ जाएगा, तो उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे और व्यवसाय लिखेंगे, और जो कि यहाँ पर वार्षिक आय लिख यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप लिख देंगे, जैसे दोस्तों आप देखिए वार्षिक आय मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इस तरह से वार्षिक आय लिखेंगे, क्लिक करेंगे, देखिए वार्षिक आय यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यह कॉलम जो कि छोड़ देना है, इसमें कुछ देना नहीं है, भरना नहीं है, इसको खाली छोड़ दीजिए। और हम देखिए आय में 0 है तो 1 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर चलिए जो है कि अन्य स्रोत भी 1 कर देते हैं, 1 रुपये इस तरह से कर दीजिए। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो क्या इससे पूर्व जो कि प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो अगर जो दोस्तों इससे पहले जो कि प्रमाण पत्र इनका जो कि जारी हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे, हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद दोस्तों जो कि पुराना वाला जो है कि प्रमाण जो कि पुराना वाला जो है कि प्रमाण संख्या जो है कि यहाँ पर टाइप करने गए, जो भी जो कि प्रमाण पत्र जो है कि यहाँ पर टाइप मतलब जारी हुआ है, तो उसका संख्या जो कि अगर जो है आपके पास तो टाइप कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। तो इस तरह से नहीं कर देंगे, देखिए जो कि कॉलम जो कि हट जाएगा यहाँ पर, तो इस तरह से हट जाएगा, तो इसको आप नहीं भी कर सकते हैं, अगर जो है तो हाँ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कर देता हूँ। करने बाद दोस्तों जो कि यहाँ पर देखिए आवेदन का शुल्क जो है कि भुगतान कर दिया गया है, तो हाँ अगर यहाँ पर करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो अभी मैं नहीं भुगतान किया हूँ, नहीं कर दिया हूँ। और यहाँ दोस्तों देखिए जो कि आधार संख्या, यानी कि आधार संख्या यहाँ पर टाइप कर सकते हैं उनका, या इसको छोड़ सकते हैं। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो किस कारण जो कि आप जो आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, विकल्प चुनें, इस तरह से देखें जो कि यहाँ पर देखिए जो शिक्षण संरक्षण में प्रवेश हेतु छात्रवृत्ति हेतु है, अन्य पर क्लिक करेंगे। तो जैसे अन्य पर क्लिक करेंगे अगर जो दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी कारण से आप जो कि आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे दोस्तों आप देखेंगे संलग्नक शीर्षक, यहाँ पर देख रहे हैं संलग्नक शीर्षक, तो यहाँ पर चुने पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे देखेंगे कि फोटो उनका अपलोड करेंगे, स्वर्ण जो है कि प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे, राशन कार्ड, वेतन पर्ची, अन्य पर क्लिक करेंगे। जैसे अन्य पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा जो भी आप अपलोड करें, जैसे कि यहाँ पर अपलोड अन्य में जो है कि आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड, और जो कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है, अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो फोटो और जो है कि स्वर्ण प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि अपलोड करना आपको अनिवार्य है, तो यह जो स्वर्ण घोषणा प्रमाण पत्र जो है कि आपको अपलोड करना अनिवार्य है, तो इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से जो स्वर्ण प्रमाणित घोषणा पत्र जो कि बनाते हैं, तो बिल्कुल ईजी है। आप जो इसका जो फॉर्म जो नीचे है मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जो कि उसमें आपका जो नाम सिर्फ जो कि अपना एड्रेस और नाम इस तरह से जो कि आपको भरना है और कुछ है नहीं, भरने के बाद दोस्तों उसका फोटो आप यहाँ पर एक जो कि नीचे मोबाइल फ़ोन से या स्कैन करेंगे, इसको जो कि अपलोड कर देंगे, तो इस तरह से जो कि अपलोड करना इसको अनिवार्य है। तो चलिए मैं बिल्कुल जो कि कॉलम जो कि भर के मैं दिखाता हूँ लाइव, और नीचे आऊँगा तो फोटो अपलोड करके बाकी जो दर्ज कर पर क्लिक करके और पेमेंट किस तरह से करना है सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए यहाँ पर जो कि मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले मैंने इस फॉर्म को जो कम्प्लीट जो कि भर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं सारा डिटेल्स जो कि यहाँ से भर लिया हूँ, इस तरह से मैं आप भर लेंगे इस तरह से सारा डिटेल्स जो कि मैं भर लिया हूँ। भरने के बाद दोस्तों जो कि नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आने पर मैंने जो है कि जैसे प्रमाण पत्र जो कि बनवाने का कारण, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर आने पर मैं सेलेक्ट किया हूँ, तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूँ, यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ वृद्धा पेंशन के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप वृद्धा पेंशन जो कि यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यानी ओल्ड एज पेंशन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आएंगे संलग्नक शीर्षक यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चुने पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फोटो, स्वर्ण प्रमाणित घोषणा पत्र या राशन कार्ड या वतन पर्ची, अन्य पर क्लिक करके जो भी आप अपलोड करें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, और जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो है कि आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, इस तरह से अपलोड कर सकते हैं अन्य पर, यह सब नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों जो स्वर्ण घोषणा जो आप देख रहे हैं स्वर्ण प्रमाणित घोषणा पत्र जो है इसको अपलोड करना अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले जो है कि फोटो यहाँ अपलोड कर देते हैं।
तो फोटो को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर मैं दोस्तों यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में आप जो कि अपना फोटो या जो जो भी दस्तावेज आप रखे हैं तो उस फोल्डर में चलेंगे, तो इस तरह से चलेंगे या फोटो जो कि अपलोड करेंगे। देखिए दोस्तों ये फोटो का साइज़ जो कि 50 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस फोटो का साइज़ जो कि 25 KB है, तो इस तरह से आपका फोटो का साइज़ जो कि 50 KB होना चाहिए। अपना साइज़ जो कि आप जो कि सेट कर लेंगे 50 KB के अंदर ये आपका फोटो होना चाहिए, JPG फाइल होना चाहिए। तो चलिए इस तरह से मैं सेट किया। सेट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए फोटो आ चुका है। अब चलिए इसको अपलोड कर देते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं अपलोड हो चुका है, और चलिए यहाँ पर जो कि दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्वर्ण अप्रमाणित जो कि घोषणा पत्र अपलोड कर रहे हैं। चलिए बारी बारी से सारा दस्तावेज जो कि अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ मैंने आने पर क्लिक किया, आने पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आधार कार्ड जो है कि यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो चलिए यहाँ पर आधार कार्ड जो है कि यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आधार टाइप जो है कि आधार कार्ड जो है टाइप करने हैं। टाइप करने में दोस्तों चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड जो है कि ऐसे अपलोड कर देंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने चूज फाइल पर क्लिक किया, यहाँ पर आ चुका। चलिए अपलोड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये अपलोड हो चुका है। होने के बाद दोस्तों जो है कि अब चलिए यहाँ पर जो है कि बारी बारी से सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर लिए, जैसे दोस्तों आधार कार्ड, फोटो, स्वर्ण प्रमाणित घोषणा पत्र और राशन कार्ड, इस तरह से अपलोड कर लिए। अगर दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर इस कॉलम में एक बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो इस तरह जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों डिलीट हो चुका है, चलिए इसको दोबारा अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने सारा डिटेल्स जो कि यहाँ से टाइप करनी है, तो इस तरह से दोबारा जो कि चेक कर लेंगे। यहाँ पर नाम चेक करेंगे, पिता या पति का नाम चेक करेंगे, माता का नाम चेक करेंगे, इस तरह से एड्रेस चेक कर लेंगे, मोबाइल नंबर, और इस तरह से सारे डिटेल्स जो है चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप जो फॉर्म जो कम्प्लीट जो है कि भरा जा चुका है, तो यहाँ पर दर्ज करें इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर दर्ज करें पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे दर्ज करें पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आवेदन संख्या आपका मिल गई है, यहाँ पर देखिए जो कि तिथि आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जिनका आप जो कि आवेदन किए उनका नाम, पिता या पति का नाम, उनके माता का नाम, इस तरह से आप देख सकते हैं। सारे डिटेल्स जो कि यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद दोस्तों इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो कि आ जाएगा प्रिंट करने के लिए, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सेवा शुल्क के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको जो पेमेंट करना हो, जो 15 रुपये का आपका पेमेंट रहेगा, वो पेमेंट आप करेंगे तभी दोस्तों ये आपका जो है कि आय प्रमाण पत्र जो है कि बनकर तैयार होगा। तो चलिए यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। करने के बाद दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों प्रोसीड विथ पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में आप देखें कि किस तरह से आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, किस तरह से जो कि घर बैठे अपना आय प्रमाण पत्र दोस्तों बनवाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से आप जो कि जात प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।